डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट एक्शन पीडीडी एक्शन पीडीडी भारत माता की भारत माता की पीडीडी डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट अनशेड्यूल टैक्स नहीं चाहिए अनशेड्यूल टैक्स। इस समय हम पैंथल रिसीविंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर लोकलाइट्स द्वारा एक प्रदर्शन आज किया गया बिजली विभाग के खिलाफ। आप देख सकते हैं टायर जलाकर और नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त करते हुए ये लोकलाइट्स, और इनका ये कहना है कि रिसीविंग स्टेशन तो यहाँ पर है लेकिन बिजली नहीं है। पैंथल की बात करें, कुन कंडियाला की बात करें, सेरली फीडर की बात करें, ककड़ियाल की बात करें, तो 18 घंटे रोज़ के कट्स हैं। जब पूछा जाता है ऑफिसर से जो पीडीडी के एसी दफ्तर में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है। आइए बात करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है लोगों को। ये प्रोटेस्ट हुआ है ये बिजली विभाग के खिलाफ है सर। 18 घंटे जो अनशेड्यूल्ड काटे हैं ये चल रहे हैं यहाँ हमारे एरिए में, तो हम डिपार्टमेंट से जब पूछते हैं तो बोलते पीछे से बंद है। पीछे अब कहाँ जाएँ, हम किसके पास जाएँ? ये रिसीविंग स्टेशन पैंथल है जहाँ से चढ़ाई मुतल को जाता है, कुंडकनेला सखाल घाटी सेरली सभी एरिया को ये फीड करता है एरिया, लेकिन इतने कट हैं यहाँ पे। ज़्यादा हम चाहते हैं कि 15 बंद कर दो, 15 लाइट चलाओ। ये कहता है 5 आता है लाइट आती है फिर 2 बंद रहेगी। ये कौन कर रहा है शेड्यूल कट, ये क्या सिस्टम है कोई पता नहीं। बच्चों ने पढ़ना है और ये रात को इतनी गर्मी है, करें तो क्या करें। इससे मजबूर होकर कि हमने चाहा था कि आज हम रोड बंद करेंगे, लेकिन लोगों की तकलीफ़ देखते हुए, क्योंकि इस वक्त कटरा वैष्णो देवी में रश है, पानी की ज़रूरत है, हमने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है उसको जगाएं। कल से हमने सोचा कल SDM साहब के पास जाएंगे, उनको एक मेमोरेंडम देंगे। अगर ये सरकार नहीं जागी, ये अनशेड्यूल कट नहीं बंद हुए, फिर हम लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट करेंगे और फिर रोड बंद करेंगे। पहले हम SDM साहब को एक इसके लिए एक मेमोरेंडम देंगे, कल या परसों हम बात कर लेते हैं। जैसे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, एक्स नायब सरपंच हैं, पंच हैं यहाँ के, आज हमने सिर्फ मौजूद आदमियों को 5-10-15 आदमियों को बुलाया था, क्योंकि आज जो प्रोटेस्ट ऐसे नहीं करेंगे हम। उसके बाद SDM साहब से मिल के और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि बिजली का जो अनशेड्यूल कट है ये बंद होना चाहिए। कहाँ से काम हो रहा है, जितना बिल आता है वो तो दे रहे हैं हम। किसने बताया इनको कि एक्शन साहब आए, जहाँ मीटर रीडर जो बिल हमें आते हैं उसकी पेमेंट हो रही है सारी, जब उसके एक्स्ट्रा कोई देना है तो तब बताएं। सुना है कि एक्शन साहब रियासी हैं हमारे, वो मेंटेनेंस के, उन्होंने बोला कि रेवेन्यू कम आता है, जो किराया दे रहे हैं पनिशमेंट उनको मिल रही है। अगर कोई इलीगल है हम तो इसके खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। 100% मीटरिंग हुई है, अगर नहीं लगे हैं मीटर कोई तो डिपार्टमेंट की कमजोरी है, लोगों की कोई कमजोरी नहीं है। रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, उन रियलिटी उनको बताई नहीं जा रही है, खास करके गांव में। गांव के लोगों की क्या पोजीशन है इस वक्त, बहुत ही बुरा हाल है ना। वो दिन में खेतों में काम करेंगे, रात को अगर पंखे की अपेक्षा करेंगे तो पंखा भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारा ये आज छोटा सा प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट नहीं था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि हमें मजबूर ना करें कि हम ये रोड बंद करें। हम करना नहीं चाहते कि जिसको आम आदमी को तकलीफ़ होती है वो नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूर करेंगे। हम SDM साहब से कल मिलेंगे, कल उनसे मिल के फिर इसका अलग टाइम देंगे, तब आप भी आके देख लेना कि इतनी दुनिया हो गई है। दिन ब दिन जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, पंखों की, कूलर्स की और ACs की ज़रूरत है। आपने सुना सरपंच ने क्या कहा कि जो लोग बिल देते हैं उनकी भी बिजली 18 घंटे काटी जा रही है। मैं आज आपको बता दूं ये जो रिसीविंग स्टेशन है ये पैंथल में है, और पैंथल के ही प्रोफेसर निर्मोही को भारत सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड अभी कुछ साल पहले ही दिया, और उनके गांव की ये हालत है। जब पद्मश्री लेने वाले निर्मोही जी के गाँव की ये हालत है, तो जो दूर दराज के गांव हैं जहां आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, उनकी क्या हालत हो सकती है। ये LG सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कटरा से कुछ ही किलोमीटर दूर पैंथल, और ये एक मॉडर्न गांव है, कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं। और यहां पर खुद आपने सुना कि एक्सियन मेंटेनेंस कहते हैं कि रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, तो क्या हम भी अपने माध्यम से एक्सियन साहब को ये पूछना चाहेंगे तो क्या रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है,
तो इनको पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है। आप देखते रहिए NH1 न्यूज़, मैं हूँ हिमांशु शर्मा कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ पैंथल ग्रिड स्टेशन से।